दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 24 अगस्त 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ वाहेगुरु उद्दम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। दोस्तों सुनो, माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माइन एंड माई कलीग्स को वर्कर्स। कलीग एंड को वर्कर्स, माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माइन एंड माई कलीग्स को वर्कर्स। ये क्या है? यह एक स्टेटमेंट है, यह एक अफर्मेशन है, जिसको आप किसको कहता हुआ देख रहे हो? मंगल को, कि भाई मंगल कह रहा है ये बात। लेकिन ये असल में किसने कहा? देखो, मैं कहा, मैंने लिखा रहता है, उसने कहा, परमात्मा ने कहा, मेरे इष्ट देव ने कहा, ग्रेट मास्टर्स ने कहा, देवात्माओं ने कहा, एलियन ने कहा, मंगल ने कहा, आपने कहा। क्या कहा? माय किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माइन एंड माय कलीग्स को वर्कर्स। मेरा ही साम्राज्य आ रहा है, मेरा और मेरे साथियों का। साथी मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, को वर्कर्स। अब आप क्या कहोगे? भाई ये क्या कहता है? व्हाट इज दिस? यह है क्या? यह क्या है कि यह एक इमेजिनेशन है। दिस इज एन इमेजिनेशन, एन अफर्मेशन, एन एक्सपेरिमेंट, एक तपस्या है, एक धोखा है, एक सत्य वचन है, एक प्राप्ति है, एक फेंकू के शब्द हैं। आफ्टर ऑल व्हाट इज दिस? देखो, मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये बात छोटी सी नहीं है। और इस दुनिया में कोई भी बात, कोई भी चीज़ छोटी सी नहीं है। क्यों? क्योंकि असल में कोई भी बात, कोई भी चीज़ अपने मूल से जुड़ी होती है, और उसका मूल अनंत है। छोटा सा वाक्य, माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माइन एंड माई को वर्कर्स कलीग्स। हम सुबह ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अफर्मेशन, DPPA के प्रोग्राम में एक हमारा ये आइटम है, अफर्मेशन। वहाँ हम ज़्यादातर तो ध्यान करते हैं, लेकिन उसमें अफर्मेशंस भी होती हैं। हमने लोगों को बोल रखा है कि अपनी अफर्मेशंस भी करें। अफर्मेशंस क्या होती हैं, क्या करें, कौन कौन सी करें, ये हम बताते रहते हैं, और अभी बताना बाकी है। ये अफर्मेशंस क्या है कि खुद के स्टेटमेंट्स हैं, खुद के लिए, खुद को बोलते हुए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाते हुए कि ऐसा हो जा, ऐसा मैं हो जाऊंगा, ऐसा मैं हूं। तो अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक कल्पना है भाई। कल्पना करने का अधिकार है, ये अफर्मेशन है, ये तो एक प्रयोग है। कि इन प्रयोगों से क्या होता है, ये किसी की तपस्या भी हो सकती है। ऋषि मुनि प्राचीन जमाने में ऐसी तपस्या करते बतलाए। यह एक धोखा भी हो सकता है, लोगों को पता नहीं है क्या है, या वो आदमी जो ये कह रहा है वह धोखा दे रहा हो कि माई किंगडम इज कमिंग। उसको न तो वो जानता, न उसको पता है, न उसको रियलाइज हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरा ही साम्राज्य आ रहा है, लोगों को धोखा देने के लिए, कि लोग समझ जाएं तो वो ये अच्छा है। ये सत्य वचन भी हो सकते हैं, ये एक प्राप्ति भी हो सकती है।
आगे सुनिए। अब जैसा जमाना आ रहा है, सेव रुपीज वन पर मंथ पर मेंबर। हमारे ग्रुप में हमने सभी को बोल रखा है कि अपने घर एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से बचत करें और उसको अपने पास ही रखें। ग्रुप वाले तो खैर उनके लिए तो अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन सभी के लिए ये करना चाहिए कि एक रुपया एक दिन के हिसाब से पर मेंबर बचत का देश की भलाई के लिए रखें। उनका कभी भी यूज हो सकता है। ये सब हमारे द्वारा क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि वरना तुम मारे जा सकते हो, भारत के लोग मारे जा सकते हैं, और दुनिया मरती तो रहती है, दुनिया मरती तो रहती है, लेकिन यहाँ मरने का मतलब समय से पहले और दर्दनाक तरीके से, जैसा हम सुनते आ रहे हैं। क्योंकि इसका उद्देश्य सबको न्याय देना है, रोते हुए के आंसू पहुँचना है, भूखों को के पेट में खाना पहुंचाना है, और अशिक्षित बच्चों को उनका बस्ता देना है, उनकी किताब कॉपी देना है। हमारा ये प्रोग्राम क्या है कि यह एक ईश्वरीय प्रोग्राम है, यह डिवाइन वाइब्रेशंस पर आधारित है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो यह रास्ता ईश्वर के हर एक बच्चे के लिए खुला रहता है। इसलिए आदमी इन डिवाइन वाइब्रेशंस को पकड़े, इसलिए ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण अफर्मेशन करे। क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना आ गया है, सारे रास्ते बंद हैं और मानवता को तबाह करने के लिए तुले हैं, सबको मार देना चाहिए। हम ये वैसे नहीं बोल रहे, वैसे इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, लोग इस वाणी को भाव नहीं दे रहे, नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, यही अच्छी बात होगी शायद। क्योंकि समय सब चीज़ का आता है, इसका भी कोई ख़ास समय आएगा जब ये सुनी जाएगी। अब इसको कम ही सुनना चाहिए। अब जैसी देववाणी बोलती है, क्योंकि ये सबके भले भले के लिए, चाहे कोई कैसा भी हो, उसके अनुसार उसके कर्मों के अनुसार सबका भला हो। हम कई बार बोल देते हैं और फिर बोल रहे हैं कि अब भारत में मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, राहुल प्रियंका एंड कंपनी, इनके लिए जगह नहीं है। आप सत्ता की तरफ धन की तरफ मत देखना भी मत, ये आपके लिए घातक हैं। लेकिन इनका ध्यान इधर ही है, जबकि इनका सत्ता का समय, सुख भोगने का समय खत्म हो चुका। आप लोग छुमंतर हो जाइए। देखो, हम ये शुद्ध भाव से कह रहे हैं, ये गलत भी समझ सकते हैं, गलत समझते हैं, हमने गलत कहा है तो भाई हम सॉरी। जैसा हमें देवात्मा बोलती हैं, हम आपको बोल देते हैं, उसमें कुछ किसी को गलत लगता है? या तो ये इन लोगों में से कोई गद्दी पर बैठेगा ही नहीं, और बैठेगा तो फिर ज़्यादा बुरा होगा, फिर बुरी तरह से गद्दी से उतरेगा, उसके जीवन के लाले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब भारत की गद्दी पर, इसके बाद गद्दी पर, क्योंकि अब भारत की गद्दी पर वही बैठेगा, फिर सुन लो, जो मिशन ग्रेट इंडिया के अनुरूप चलेगा,
जो मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के अनुरूप चलेगा वही बैठेगा, दूसरे के गद्दी पर बैठने का प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि भारत में अब ऐसा होने जा रहा है जिसका किसी को पता नहीं है। मर जाएंगे, भगेंगे, ये होगा ये होगा सब कहते रहते हैं, लेकिन जो दृश्य हमें हूबहू दिखाई देते हैं वे हमें ही दिखाई देते हैं ऐसा हमें लगता है। भारत में मानवता पर जितना अन्याय अत्याचार हुआ है, जितना शोषण हुआ है, ऐसा भयानक दुनिया में कहीं नहीं हुआ, और उसका रिजल्ट ऐसा आने वाला है, उसका रिजल्ट ऐसा आने वाला है जिसके सामने 1947 की भगदड़ और कत्लेआम तो कुछ नहीं। पिक्चर के मूवी के एक ट्रेलर से भी कम, जिसके सामने जर्मनी का यहूदी कांड तो कुछ भी नहीं, एक ट्रेलर से भी कम, जो न कभी इतिहास में हुआ और न शायद हो। क्यों? कि भारत ने इंसानों के साथ इंसानों का अन्याय ऐसा ही भयानक है, और उससे भी भयानक यह है कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं कि ऐसा हुआ ही क्यों। इसके लिए थोड़ी बहुत माफ़ी तो मांग लो, इसके लिए पश्चाताप तो कर लो। भाई हमने थोड़ी किया, पूर्वजों ने किया, अरे पूर्वजों का माल तो तुमने मारा, इसलिए पश्चाताप भी तुम्हें करना है, क्षमा भी तुम्हें मांगनी है। लेकिन पश्चाताप और क्षमा तो तब उसको समझ नहीं आता कि ऐसा हुआ है, इसलिए ऐसे भयानक कांड होंगे। इसलिए हम ये बोलते रहते हैं कि किसी के कानों में पड़ जाए आवाज़, कोई बड़ा आदमी, बड़े भाग्य वाला, बड़ी किस्मत वाला, बड़ा काम करने वाला, कोई कुछ काम हो ही जाए, क्योंकि हम ऐसे ही भयानक वोल्केनो पर बैठे हैं जो कभी भी फूट सकता है। हम परमाणु बमों के ढेर पर बैठे हैं, दुनिया को पता नहीं है, और जिनको पता है वो समझते हैं कि हम तो फुर्र हो जाएंगे, अरे हम इस देश में थोड़े रहेंगे। हाँ रहोगे नहीं, सुन लो, तुम्हें पकड़ पकड़ कर लाया जाएगा। क्या लूटमार मचा रखी है, और मचा भी रखी है, पुराने ज़माने से मचा रखी है, जिसका कोई भान ही नहीं, पश्चाताप ही नहीं। फिर भारत एक बड़ा शमशान कैसे नहीं बने? हमारे सब ये करने का, ये बोलने का, ये एक्टिविटीज़ का यही है कि भारत जो बड़ा शमशान बनने वाला है नहीं बने। ईश्वर बड़ा दयालु है, ये जो डिले कर रहा है वह बड़ा दयालु है। यदि हम नहीं समझे तो ऐसा ही होगा। हम तो अपनी अनुसार कर ही रहे हैं, लेकिन ये सबको करना मांगता है, सबको करना मांगता है, तभी कोई फलदायक रिजल्ट निकलेंगे। ज़्यादा भी नहीं हो तो सुबह ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अफर्मेशन तो जरूर करो, अपनी गलतियों की क्षमा मांगो, जीवों को काट काट कर खाना बंद करो। बड़ा भयानक भविष्य हम देख रहे हैं, और वो रियल में देख रहे हैं, और ऐसा ही होता है। माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट वर्ड्स एंड डीड्स, द किंगडम ऑफ माइन एंड माई को वर्कर्स, इट इज कमिंग, इट इज डेफिनेट। माई कौन? वह कोई अच्छे भाग वाला,
वह कोई बुद्धिमान, वह कोई बहादुर बच्चा, वह कोई ईश्वर का दूत, कोई भी माई, ये वही कह रहा है, वह कोई एलियन, माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माइन एंड माई कलीग्स, द किंगडम ऑफ योर थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स। हम बोलते रहते हैं, समझ जाओ लोगों, हम बताते रहते हैं कि ये सारा ड्रामा जो रियल ड्रामा है, दो हिंदुओं को सीधा करने के लिए आ रहा है, दो हिंदुओं को सीधा करने के लिए आ रहा है। वह समझ से भी सीधा हो सकता है, वह कानून से भी सीधा हो सकता है, तो नहीं सीधा हुआ तो डंडे से सीधा होगा और भयानक देश में कत्लेआम होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।